मेरे दो भाई थे, एक का नाम नासिर है जी, दूसरे का नाम जुनेद है। दोनों अपनी ससुराल गए थे जी। हमारा दूसरा भाई भी आया है भोरूबास सीकरी, तो रात में ये वहीं रुक गए थे। सुबह टाइम से आ रहे थे घर की तरफ, तो रास्ते में इनको बजरंग दल वाले और सीआईए पुलिस फिरोजपुर झिरका ने रोका है। इनके नाम पूछे, नाम पूछने के बाद इनको खींचने की कोशिश करिए, तो उन लोगों ने जैसे ही देखा कि ये लोग हमको खींच रहे हैं बजरंग दल वाले, क्योंकि बजरंग दल वालों की वजह से दहशत फैली हुई है, उन्होंने सोचा कि ये हमको मारेंगे। पहले भी बारिश की घटना हो चुकी थी, तो उन लोगों ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की बेचारों ने, जान बचाने के लिए। तो फिरोजपुर सीआईए के थाने ने खुद ने आगे से टक्कर मारी है। पुलिस वालों ने बराबर शरीक है इस मर्डर करने में, और बजरंग दल वालों ने पीछे से टक्कर मारी है। ग्रामीण इस चीज के सबूत दे रहे हैं, शाहिद हैं, गवाह हैं वो लोग। वीरू का जोतरी के रास्ते में इन लोगों को पकड़ के सीआई की गाड़ी में डाल दिया गया है। फिर सीआई वाले लेकर इनको, बजरंग दल वाले, फिरोजपुर पहुंचे झिरका। फिरोजपुर झिरका पहुंचने के बाद में इन लोगों ने क्या काम करा है कि थाने वालों को देने की कोशिश की। थाने वालों ने कहा कि इनको हमारे पास मत दीजिए, आप ले जाइए इनको, क्योंकि उनको भी पता है कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे कर दिए, बचे ना बचे। उसके बाद में ये लोग उनको लेकर चले गए हैं कहा, भिवानी हरियाणा, मोनू मानेसर बजरंग दल वाला है जो, और रिंकू सैनी है फिरोजपुर झिरका, और चार पांच सात आठ लड़के हो रहे हैं इनके साथ में। तो इनकी टीम ने इस आदमी को, जो दो भाई हैं हमारे जुनैद और नासिर, दोनों को लेके वहां जिंदा जलाया है लोहारू में। लोहारू में जाके जिंदा जला दिया इनको बोलेरो की पिछली सीट पे। अब हम ढूंढ रहे थे, तो हमको जो पता चला है, हमको इस माध्यम से पता चला है कि जी वहां की न्यूज हमने खंगाली है, लोहारू की भिवानी न्यूज में ये सबूत है, और उस न्यूज में लिख रहा था कि दो कंकाल व्यक्ति मिले एक बोलेरो गाड़ी के साथ लावारिस। जो पता चला है कि हमारे व्यक्ति है ये, वो गाड़ी के नंबर से